हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उससे है। ये चैप्टर ऐसा है कि आजकल हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं और इसमें बहुत से डाउट रहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं, तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में कवर की गई है, जिसको देखने के बाद आपको यकीनन मानिए आप पूरी तरीके से जो डाउट है डाउट से दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो पार्ट टू डालूंगा वो भी, तो आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या क्या है। तो जो हम 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये ऐसे अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ये सारी जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, अब उसके बाद पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक। लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाता है, वो अलग हो जाता है, 0। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हो गया, नेचुरल नंबर। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है उसमें 1, 1 के पहले 0, 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। तो इन दोनों प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में जो अंतर है वो केवल इतना ही है कि पूर्ण संख्या में 0 रहता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो इन दो से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है, क्वेश्चन 2, 3 प्रकार से पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक, ये जो है सारे के सारे पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। तो क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है ये वो पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी देखने को मिलेगी, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। और क्या सभी पूर्ण संख्या, जो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं, तो यहां पर नहीं हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब आगे चलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या देख रहे हैं आप कि सम संख्या क्या क्या होता है, कि जो 2 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर 4 है तो ये 2 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, भाग चला जाएगा, मतलब कि ये सम संख्या है, ये 4 सम संख्या है। और दूसरा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता 8 आ जा रहा है, मतलब दशमलव में कुछ नहीं। तो ये सारी संख्याएं सम संख्या होंगी, जिसमें भाग दे 2 से और वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वो सम संख्या। ऐसे ही विषम संख्या देख लेते हैं। तो विषम संख्या में क्या होगा कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जैसे कि हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन्फिनाइट तक। इसी तरीके सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन्फिनाइट तक। तो ये सारी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये सम संख्या। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए सम संख्या जो होता है वो
अब देखिए इसमें एक चीज और दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब तो दिख गया, लेकिन एक जीरो जो बच रहा है वो क्या होता है? तो जीरो एक के सम संख्या में ही उसको भी गिना जाता है, जीरो भी सम संख्या होता है, क्योंकि जीरो से जीरो को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये भी क्या होता है, ये सम संख्या ही होता है ये जीरो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है सम संख्या में, कि प्रथम सम संख्या क्या होगी, वो जीरो हो जाएगा, प्रथम सम संख्या जीरो हो जाएगा। सम संख्या से क्या क्या नोट, ये नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, जैसा कि आप यहां पर देखे थे जीरो। ठीक है, अब उसके बाद सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या भी क्या होगी, जीरो होगी। पहली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक सम संख्या, तो पहली प्राकृतिक सम संख्या क्या हो सकती है, वो 2 हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है अभी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पहल ये 1 2 3 4 5 से स्टार्ट है अनंत तक, तो इसमें सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या जो है 2 है, 2 से स्टार्ट, 0 है तो 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं, और 2 है तो 2 प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये 2 जो है, 2 जो है पहली प्राकृतिक सम संख्या है। ठीक है, ये हो सकता है। अब उसके बाद और क्या पूछ सकता है, कि पहली पूर्ण सम संख्या, तो पहली पूर्ण सम संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे कि देखिए पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है, और इसमें सम संख्या में भी क्या है, जीरो, तो ये जीरो इसमें भी है इसमें, तो पहली पूर्ण सम संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। अब और क्या पूछ सकता है, दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा, तो ये बिल्कुल सही है कि दो सम संख्याएं हमेशा सम संख्याएं होंगी, दो सम संख्याओं का योग, जैसे कि अगर 2 और 4 ये सम संख्या है, तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो जो इससे योग, इसका योग निकलेगा वो भी सम संख्या ही होगा। जैसे कि अगर 8 और 10 को जोड़ देते हैं तो ये 18, ये भी सम संख्या ही होगी। अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 2 सम संख्याओं का गुणनफल जो है वो एक सम संख्या होगी, तो ये कैसे, जैसे 2 और ये 4 था, तो इसका अगर गुणा करते हैं तो 8 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या होगी। ठीक है, और 8 गुणे 10 अगर इसको करते हैं तो ये 80, ये भी सम संख्या मिलेगी। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे सम संख्या का देखें, उसी तरीके से हम विषम संख्या का देखते हैं, तो विषम संख्या में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो विषम संख्या में देखा आपने कि 1 3 5 9 ऐसे करके लास्ट तक हो जाता है, तो विषम संख्या से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो ये देखिए, 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा, तो ये सही है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि विषम संख्या 1 3, ये देखिए 1 3 5 7 ऐसा करके है, तो अगर 1 को और 3 को हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि अगर 5 और 7 को जोड़ देते हैं, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, जो कि ये भी सम संख्या है। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होती है, तो ये क्या होगा, जैसे 3 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 15, जैसे ये 3 और गुण इसका 5 से गुणा करते हैं तो 15 हो जाएगा, ये जो कि विषम संख्या है। इसी तरीके से अगर 3 गुणे 7 करते हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा, 21, ये भी विषम संख्या है। अब जैसे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होती है जैसे कि जो संख्या मान लीजिए 2 है तो 2 स्वयं से और 1 से भाग जाती है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 2 को अगर हम भाग दे तो 1 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि फिर 3 हो गया तो 3 क्या होगा, 3 से चला जाएगा और 1 से चला जाएगा, स्वयं और 1 ये दोनों से चला जाएगा, तो मतलब कि वो संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे कि 5 हो गया
तो पांच क्या होगा, पांच पांच से भी जाएगा और एक से जाएगा, स्वयं और पांच, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी अभाज्य संख्या। सात, सात सात से जाएगा और एक से जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। ग्यारह, ग्यारह ग्यारह से जाएगा और एक से जाएगा, ये भी हो जाएगा। तेरह, तेरह भी एक से जाएगा और खुद से जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से और एक से जाती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होगी, जो स्वयं से, एक से और किसी अन्य संख्या से, जैसे कि चार होता है। चार क्या है, स्वयं से जाएगा, चार से भाग देंगे चार को तो चार चला जाएगा, एक से जाएगा, एक कर से करेंगे तो भी चला जाएगा, और किसी अन्य मतलब दो से करेंगे तो भी ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। जैसे कि अब यहां पर और क्या ले लेते हैं, छः, छः क्या हो जाएगा, ये एक से भी चला जाएगा, दो से भी चला जाएगा, तीन से भी चला जाएगा और स्वयं से भी चला जाएगा। तो स्वयं, एक और तीन, मतलब कि स्वयं से तो जाए ही, एक से भी जाए और किसी अन्य संख्या से भी जाए, वो सारी संख्याएं भाज्य हो जाती हैं। हो जाएगा नौ, हो जाएगा नौ क्या है, नौ जैसे तीन से भी जाएगा और फिर एक से भी जाएगा और स्वयं से भी जाएगा, तो ये भी हो गया। अब दस, दस भी चला जाएगा, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं, सॉरी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब ये तो क्लियर हो गया कि दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ये सारी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये हो गई। लेकिन अब इसमें एक जो बच रहा है वो एक, तो एक क्या है, तो एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, वो एक विशिष्ट संख्या है, स्पेशल नंबर। ठीक है, तो एक जो है विशिष्ट संख्या है। अब ये तो हो गया कि भाज्य अभाज्य सम विषम ये सारी संख्याएं हो गई। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं किस टाइप से, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कुछ, तो हमको पता चलेगा कि हम कितना समझ गए। तो जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी दो, जो कि अभाज्य संख्या का रूल है कि जो स्वयं से और एक से जाए, तो दो है जो स्वयं से और एक से जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। अब एक से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि एक से 25 तक, एक से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है, और 25 से, सॉरी, एक से 50 तक ये टोटल होता है कितना, 15, और एक से 100 तक ये कितना हो जाता है टोटल, 25। तो ये हमको याद करना पड़ेगा कि एक से 25 तक 9, एक से 50 तक 15, एक से 100 तक 25, ये अभाज्य संख्या होती है इतनी इतनी। ठीक है, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। तो एक से 25 तक कितनी हो जाएगी, 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, या फिर आप पूरा गिनती लिख के गिनने लगेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही टाइम लग जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है कंपटीशन एग्जाम के लिए। एक से 100 के बीच कितनी है अभाज्य संख्या, तो एक से 100 तक ये देखो बताया था जैसे 25, तो इसका हो जाएगा 25। अब उसके बाद बोल रहा है कि 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 50 से 100 तक कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 100 तक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एक से 100 तक 25 हो जाएगा, और एक से 25 तक, सॉरी, एक से 50 तक कितना हो जाएगा, 15, तो 25 में 15 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। अब इसी तरीके से 25 से 100 के बीच कितनी संख्या होगी, तो 25 से कितना हो जाएगा, अब 100, एक से 100 तक हो जाता है 25। ठीक है, जैसा कि ये बताया था एक से 100 तक 25। अब उसके बाद बोल रहा है 25 से 100, तो एक से 25 तक 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल 16। तो 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, वो हो जाएंगी 16। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो प्रथम पांच संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या का रूल क्या था कि जो स्वयं से और एक से, जो स्वयं से और एक से भाग जाए वो जो वो अभाज्य संख्या हो जाती है। जैसे दो है, ये स्वयं से और एक से जाएगा, तीन
तीन है, ये भी, पांच है, स्वयं से एक से जाएगा, सात है, और फिर 11 है। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग, तो 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 5 23, 3 26, 27 28, ये हो जाएगा आंसर 28। तो देखिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लाइक कीजिए, और नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।